तो इसी बीच दमोह से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। धर्मांतरण केस में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का यह पूरा मामला है। पीड़ित के नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ का भी केस दर्ज किया गया है। चर्च के पोस्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, पास्टर पर आरोप लगा, माफ कीजिएगा, आरोपी नीनम थॉमस और उसकी बेटियों समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दमोह से इस वक्त की यह खबर बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण केस में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी लोग जानते हैं कि आज धर्मांतरण का मुद्दा बहुत ही तेजी से फैल रहा है। मसीही लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप इन दिनों में ज्यादा लग रहा है। अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि इन दिनों में धर्मांतरण और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण, इस प्रकार के केसेस अभी ज्यादा हो गए हैं। छत्तीसगढ़, यूपी और एमपी में भी धर्मांतरण का आरोप पास्टरों के ऊपर लगा है और 8 पास्टरों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उनके खिलाफ पैसे देकर धर्मांतरण कराना, लालच देकर धर्मांतरण कराना और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है कि ये धर्मांतरण के साथ साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, गलत काम करते हैं। इस प्रकार से आज मसीही लोगों को फंसाया जा रहा है झूठे झूठे आरोप लगाकर। एमपी में जबरन धर्म परिवर्तन कराकर नालिंग लड़कियों के साथ छेड़छाड़, चर्च आने का दबाव, इन लोगों के खिलाफ में केस दर्ज। मध्य प्रदेश में एक क्रिश्चियन संगठन पर केस दर्ज किया गया है। मामला दमोह जिले का है। आरोप है कि इस संगठन से जुड़े लोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे। इतना ही नहीं, उन पर नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि 6-7 साल पहले धर्म परिवर्तन कराया गया और अब वो लोग चर्च में आने का हम सभी पर दबाव बना रहे हैं। में एक शिकायतकर्ता और 4-5 अन्य लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ केस दर्ज करवाया। में यह भी कहा गया कि एक स्थानीय संस्था लोगों को जबरन ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहा है। इस मामले में सिटी पुलिस ने शिकायतकर्ताओं का बयान दर्ज कर लिया गया है और दूसरे पक्ष की बात भी सुनी है। जांच में शिकायतकर्ताओं के आरोप सही पाए गए। इसके बाद इस संस्था से जुड़े हुए 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इस मामले में आगे की भी जांच की जाएगी। शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा है कि नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। इसने एफआईआर दर्ज की है, उनके ऊपर पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया गया है। जी हाँ, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि मसीही लोगों के खिलाफ ये ज्यादा हो रहा है। कहीं धर्मांतरण, कहीं छेड़छाड़, कहीं लालच देकर धर्मांतरण, इस प्रकार के मामले आज हम ज्यादा देख रहे हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। इसलिए जो आज मसीही लोग सताव का सामना कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संकेत है। आए कि अंत के दिनों में लोग तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, लोग तुम्हें जेलखानों में डालेंगे, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यीशु मसीह के आगमन की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।